हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि रोज़ हम लोग ब्लॉग डालने का ट्राई करेंगे, रोज़ ही तो रेगुलर, फिर भी हम डाल नहीं पाए क्योंकि जिस दिन हमने आइस बाथ लिया था, आइस बाथ के बाद मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा फीवर था मेरे को, 3 दिन तक मैं बेड रेस्ट था मेरा, उठ नहीं पा रहा था मैं, इतना ज़्यादा कमज़ोरी मेरे शरीर में आ चुका था। फीवर की वजह से मेरे को 1.5-2 kg बॉडी लॉस बोलोगे चाहे मसल लॉस बोलोगे, सब हुआ मेरे साथ। और अभी मेरे को थोड़ा जुकाम है और थोड़ा होता है गाइस खांसी ऐसी, सब मेरे पास अभी भी है, वो भी रह गया है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहे हैं, आई होप हम लोग रिकवर कर लेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को 90 डेज़ का बल्क चैलेंज स्टार्ट करना था, मैंने बोला था बहुत पहले भी और मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो वो टाइम आ चुका है हमको 90 डेज़ बल्क चैलेंज स्टार्ट करने को। तो हम इस चैलेंज में अपने हिसाब से करेंगे। जैसे एक बार 30 डेज़ का लिए थे तो उसमें अच्छा खासा हमने गेन किया था। अभी मेरा तबीयत ख़राब है बट मैं रिकवर कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन से जिम जा रहा हूँ लगातार रिकवर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा कुछ रूल रहेगा कि जैसे हमारा इधर संडे को जिम नहीं रहता है तो रेस्ट का भी मतलब होता है, रेस्ट डे का मतलब रेस्ट डे के दिन भी हम लोग अपना पूरा डाइट लेंगे। और जो और मैं शॉर्ट्स वीडियो नहीं डालूंगा इसका फुल यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो आएगा। बहुत लोग ऐसा होता है कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरे दोस्त का बर्थडे, कुछ भी है चाहे बहुत ही है, उसके वजह से बहुत लोग जिम अब्सेंट कर देते हैं, जिम नहीं जाते हैं। मेरा गलती ये था कि मैं फीवर में जिम चला गया था, वो भी लेग स्ट्रेन किया था फीवर में जाकर मैं, तो वहाँ से मेरा जो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया था हद से ज़्यादा। बट अब धीरे धीरे हम रिकवरी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नौबत नहीं आने दूंगा मैं अब तबीयत ख़राब वराब होकर। और एक्सक्यूज़ तो मेरे अंदर शुरू से ही था नहीं, मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि ये जो बल्क सीरीज है इसको कुछ अलग लेवल पर लेकर जाऊँ मैं। ये 90 दिन में मेरे को सिर्फ अपने बॉडी पर ध्यान देना है और मेरे को कुछ भी इतना बाहर का ये सब फालतू चीज़ नहीं खाना है, यह सब आते मैं ये चीज़। और जो मेरा डाइट है, मैं डाइट प्लान में आपको रोज़ शेयर करूँगा, जो मैं रोज़ ले रहा हूँ, रोज़ मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं रोज़ आपको दिखाऊँगा। और वर्कआउट के भी कुछ क्लिप्स दिखाऊँगा। वर्कआउट देखो मैं ऐसा करता हूँ कि वर्कआउट के टाइम में वीडियो बनाना ही भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि देखो वर्कआउट पर फोकस रहता ज़्यादा मेरा, वर्कआउट के टाइम में वीडियो बनाना भूल जाता हूँ, ये मेरे अंदर थोड़ा गलती है। बट ये ट्राई करूँगा मैं सुधारने का। और मैं टीन जो अपनी उम्र के लगे हैं, जो कुछ जिम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घर में बैठे हैं, सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ट्राई करो भाई, अभी भी टाइम है, जिम जाओ। कुछ आप नहीं कर रहे हो तो आपके पास स्पोर्ट्स कुछ है, गोल है, बॉक्सिंग है जैसे, फुटबॉल है, तो आप लोग खेलो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो आप जिम जाओ, अभी भी टाइम है। और देखो भाई, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो, अपने लाइफ को ठीक करो। जिम जाने से भाई लाइफ सुधरता है भाई, मेरे हिसाब से ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब कोई अपना अगर ज्ञान देगा कि भाई तू ऐसा क्यों बोला, नहीं भाई ये मेरा ओपिनियन है। डे 1 का मैं फ़ोटो छोड़ूंगा और जो डे 90 का वीडियो छोड़ूंगा मैं, एक अलग जो बेंचमार्क सेट करके मैं निकलूँगा अपना ये सीरीज का, कुछ अलग लेवल का होने वाला है गाइस, वो मैं अभी से ही देख रहा हूँ अपना बेंचमार्क। तो आप लोग बस इन्जॉय करना पूरा सीरीज। और जो इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम पे सीरीज नहीं करूँगा, इंस्टाग्राम पे मेरा जैसा वीडियो आता है वैसा ही आएगा, इंस्टाग्राम पे मैं ट्राई करूँगा ऐसा सीरीज ना करने को। और जो मेरा ओपिनियन रहेगा, मेरा जैसे एक्सपीरियंस कि मैं ये बल्क सीरीज में क्या क्या खा रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किससे अच्छा कुछ भी मिल रहा है, जो चीज़ मैं वो सब चीज़ आपको सब बताऊँगा वीडियो में, हर एक वीडियो में बताऊँगा। और ट्राई करूँगा मैं रोज़ ब्लॉग डाल, रोज़ एक भी दिन एब्सेंट नहीं होगा ब्लॉग डालने के लिए, रोज़ ब्लॉग। और जिस दिन ब्लॉग नहीं आया तो वही ब्लॉग एक दिन बाद आएगा। तो गाइस तब तक 1-2 दिन के लिए हम लोग रिकवर करते हैं अपना बॉडी, रिकवर तो कर ही रहा हूँ, सिर्फ मेरे को थोड़ा खांसी ये सब मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को फ़र्क फीवर से तक नहीं पड़ रहा था। मैं फीवर में जिम गया था, फीवर में जाकर मैं लेग स्ट्रेन कर लिया था, वो भी हाई इंटेंसिटी से, तो वहाँ से मेरा उसके बाद से मेरा 104-103 से उतर ही नहीं रहता बुखार। अब देखो बस अपन क्या करते हैं।
बहुत ज़्यादा बारिश भी हुआ है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि अपना जितना डाइट का सामान है सब कंप्लीट कर सके और जल्दी से अपना जो बल्क चैलेंज स्टार्ट करें। तो मिलते हैं इस अगले ब्लॉग में आपको। जय श्री राम।